पहली बार मालूम चला है कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे होता है। ये क्या हुआ? ये जरूर उन टुच्चों का काम होगा। रविंद्र, अपनी मम्मी को बोल के इन मेहमानों को चलता करो। आज ही तो आए वो लोग। आ जाए तो कल जाना चाहिए ना, मेहमान एक दो दिन के ही होते हैं। ठीक है, मम्मी से कहता हूँ। पहले साफ सफाई तो करो। चलो कर लो साफ सफाई। रोहन, मुझे तो लगता है जब चाचा नेहरू तेरी उम्र के होंगे ना तो तेरी जैसे दिखते होंगे। रविंदर, चाचा नेहरू की नाक एकदम सुई जैसी थी, इसकी तो मोटी है। जब तू सरदार पटेल के कपड़े पहनेगा ना तब देखूंगा तू कैसा दिखता है। बस बस झगड़ा मत करो, अभी तुम लोगों को लाइनें भी याद करनी है। रविंदर, तू भी तो गांधी जी की तरह धोती पहन। जब आएंगे तो पहन लूंगा। ठीक है रविंदर, वो पोयम तो सुना जो सर ने तुझे बताई थी? अरे हाँ, पोयम सुना ना वो तू? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ठीक है सुना। आ गए वो दिन खास जब मजा करेंगे जमकर, और ना कोई स्कूल और ना कोई होमवर्क। इस दिन चाचा नेहरू को देते खास धन्यवाद। आज नहीं करेंगे कोई भी विवाद। हम तो देखेंगे आज मुस्कुराते चेहरे। देखना चाहता हूँ हर तरफ से बस खुशियाँ ही खुशियाँ। मेरे दिल में है सारे अरमान और जिम्मेदारियाँ। इस खूबसूरत दिन हम भरेंगे सारा प्यार और प्यार। देते हैं हम बाल दिवस की बधाइयाँ। वाह 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 वाह। कोई शायरी नहीं मारी है जो वाह 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 कर रहा है? तुम लोग लड़ते रहोगे, अपनी अपनी लाइनें भी याद करोगे। रोहन, पहली लाइन है तुम्हारी। हाँ, करते 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 करते। खाली बिली रोकने का नहीं। अब ये क्या लगा रखा है इन लोग ने? हमें कल स्कूल में स्क्रिप्ट करना है और हमने डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन आवाज कर रहे हैं? पढ़ने दो हमको। चल बात छोड़ते हैं। तेरा डॉगी तो मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का। मम्मा, हम लोग अपने स्कूल की स्क्रिप्ट तैयार कर और ये लोग कब से हम लोग को परेशान कर रहे हैं। म्यूजिक की वजह से अंदर पढ़ नहीं पा रहे हैं और हम लोग बाहर आगे देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं बेटा? बेबी, मैं एक काम करती हूं, मैं इन लोगों से जाके बात करती हूं। ओ तो ठहर, मैं जाके देखती हूँ इनको। ठीक है बेबी। बेटी, ये बैंड बाजा थोड़ा धीमे नहीं हो सकता? ये म्यूजिक तो लाउड ही अच्छा लगता है बेबी, तभी तो मजा आता है। ये देखो मेरे लाडले क्या मजे से डांस कर रहे हैं। देखना, एक दिन फिल्मों में काम मिलेगा इनको। दूर फिटे मुंह बात की बेबे, बहुत ही बिगड़े हुए लोग हैं। अरे कह रही थी कि बड़े होके ना इसके बच्चे फिल्मों में काम करेंगे। फिल्मों में? ये भिंडी और कद्दू फिल्मों में काम करेंगे। वैसे एक बात है, फिल्मों में इन्हें काम मिले ना मिले,
इन्हें वहाँ जरूर काम मिलेगा। वहाँ? वहाँ कहाँ? अरे वहाँ। वहाँ कहाँ बेबे? जहाँ बंदर और भालुओं को नचाया जाता है। अच्छा अच्छा, सर्कस है ना? हाँ सर्कस। वैसे भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है ना सर्कस में जानवरों को नचाने से, अब यही नाचेंगे। बेबे बात तो आप सही कह रहे हो, इनकी हरकत है ना सर्कस में नाचने लायक ही है। बिल्कुल। ये नहीं सुन रहे। अमृता जी। बेबे ये लोग कितने दिन यहाँ रहेंगे? बेबे मेहमान है, मेहमानों की तरह 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मेहमान 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3रे दिन तो बलाए जान हो जाता है। और ऊपर से चौधरी कहता है मेहमान हमारा जान से प्यारा होता है, ये मेहमान तो हमारी जान लेकर रहेगा। बेबे क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ही नहीं, सभी परेशान हो रहे हैं। कुगी बंसों की तो ना रात की चैन है ना दिन की। वो देख क्या कर रहा है। जब देखो कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं, और कुगी बंसो तो हांजी हांजी करते रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई का तो सत्यानाश हो रहा है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। देख अब यहीं आ जाएगा। बेबे सच बताऊं तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी चले जाए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आपने कुछ कहा? जी नहीं, आपने कुछ सुना क्या? नहीं अब लगता है कि हमारे कान बज रहे थे। हाँ जी कान ही बज रहे होंगे। अच्छा बेबे हम ये सोच रहे थे, हम वहाँ माप भी ले रहे थे ऐसे ऐसे करके, कि वो जो डाइनिंग टेबल वो है हुआ ना हो के हमने माप वाप लिया है बराबर से, यहाँ एकदम फिट हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे एकदम फैलाऊ जगह है, पूरा फैल के ना सब चपक के नहीं बैठेंगे, एकदम फैल फैल के बैठेंगे और खूब अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा स्वाद आएगा, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। और हाँ कल हमने देखा था ये घड़ी जो है, अब देखिए क्या है कि घड़ी अगर यहाँ रहेगी तो वहां से अगर कोई बाहर निकलेगा, रात को टाइम देखना है कुछ देखना है तो सीधा सीधा एकदम फोकस घड़ी के ऊपर जाएगा, और जब घड़ी के ऊपर जाएगा तो समझो टाइम वाइम देखना है, रात वात हो गई ना, इसलिए हम कह रहे हैं। और तुम्हें भी वो ना होकर जो तुम नहीं हो वो होना चाहिए। मतलब हम जो हैं वो ना होकर हमें वो होना चाहिए। समझे नहीं बेबे? तुम कहाँ खड़े हो? फर्श पे खड़े। फर्श कहाँ है? कोठी में है। कोठी पे किसका नाम लिखा है? रविंद्र भवन लिखा है। रविंद्र भवन किसका है? कोठी के मालिक का है। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि तुम इस कोठी के मालिक नहीं हो, मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। अरे बेबे क्या कहे, आप भी ना, अब क्या करे बेबे, हमारी प्रॉब्लम ही है। हम जिस कोठी में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं उसको अपना समझ लेते हैं। क्या कहा? तब वो कह दिया तो कह दिया। क्या कह दिया? बिजली का खंभा गर्म हो गया लगता है। बेबे वो कहा है कि हमारा ठेका है ना बोलने का। ये हमारा ठेका था बोलने का, कोई बात नहीं, बहुत खतरनाक खंभा। सुना तुमने अमृता क्या कह रहा था? कोठी का मालिक है। अब तू अपने पापा जी से बात करती है या मैं अपने तरीके से करूं? बेबे बेबे शांत शांत शांत, मैं आज ही पापा जी से जाकर बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि इन्हें कैसे भी करके जाने के लिए बोले, बस आप शांत रहो बेबे। मटर